क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। वेल्स कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टीम को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि दौरा जिम्बाब्वे आसान नहीं होगा। 26 साल के मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ेंगे और अहमद शहजाद के डोप टेस्ट का इलम नहीं। वेल्स कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि जिम्बाब्वे का दौरा करीब आ गया है, उम्मीद है कि तीन मुल्की सीरीज के दौरान अच्छा खेल पेश करेंगे। T20 के दौरान कोई भी टीम कमज़ोर नहीं होती, हमारी कोशिश होगी कि अच्छी क्रिकेट खेलें। उन्होंने कहा कि हमें जहां ज़रूरत हुई नए खिलाड़ी को मौका ज़रूर देंगे। व्यूअर सरफराज अहमद ने मजीद कहा कि जिम्बाब्वे में ऑस्ट्रेलिया से भी मुकाबला होगा जो कि कमज़ोर नहीं अलबत्ता बुरे दौर से गुजर रही है। जिम्बाब्वे भी अपनी होम कंडीशन में अच्छी टीम है। कप्तान ने कहा कि वनडे में इंग्लैंड की जानब से सबसे ज़्यादा 481 रन बनाए गए, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में 500 रन भी बनेंगे। व्यूअर्स उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर अभी 26 साल के हैं, वो टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ेंगे और अहमद शहजाद के डूब टेस्ट का मुझे इलम नहीं, मीडिया से ही पता चला है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।